लेकिन भाई लोग एक बात सब लोग याद रखने का, किसी भी चीज की ओवरडोज आजकल के बच्चों को बोर कर देती है। इसीलिए अपुन उनको तीन चार स्टोरीज उन्हीं के स्टाइल में सुनाएंगे। अभी सोच क्या रहे हो, एक्शन करो। एक्शन एक्शन नहीं, लेट्स गो। बच गए यार। अरे क्या यार, तुम लोग भी ना। अरे डर गए क्या? अरे अपुन है ना यार, क्या अपुन के होते हुए टेंशन नहीं लेने का क्या? अरे तू है इसलिए तो टेंशन ले रहा हूँ। पता चला सबको फंसा कर खुद ही गाड़ी में भाग गया। अरे मुझे सुनाने के लिए कोई स्टोरी ध्यान में नहीं आ रही थी। लगता है बाल गणेश ने खुद ही बिल्ली भेजी थी मुझे उनसे जुड़ी बिल्ली वाली स्टोरी याद दिलाने के लिए। मजा आ गया। जियो नंदी महाराज, बस ऐसे ही झिलाते रहो, बहुत आनंद आ रहा है। काश मेरा मूषक यहाँ होता। मैं तो यहाँ हूँ। जैसे वो मुझे अपनी पीठ पर घुमाता है वैसे ही मैं उसको इस झूले पर झुलाता। क्या बात है। प्रभु मैं यहाँ नीचे हूँ और मुझे मालूम है कि आप जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। बालक गणेश। हाँ नंदी। लगता है कहीं से मूषक की आवाज आ रही है मगर दिखाई नहीं दे रहा है वो। मूषक, अरे कहाँ हो भाई, दिखाई नहीं दे रहे। बाल गणेश आपको बुला रहे हैं। मैं कोई पंछी हूँ जो सब मुझे ऊपर ढूंढ रहे हैं। अरे चूहे महाराज, आपने कहीं हमारे मूषक राज को तो नहीं देखा? कुछ कुछ आप जैसे ही दिखते हैं। अरे ये तो अपना मूषक ही है। नंदी उसे ऊपर आने दो। हाँ हाँ। मूषक ऊपर आ जाओ। आ जाओ, जल्दी आओ। चलो आखिर आपने मुझे देख लिया गणेश जी, यहाँ ऊपर आ जाओ। अरे नंदी जरा धीरे, मूषक जल्दी आओ ना। आ रहा हूँ। देखो कितना मजा आ रहा है। मोटे कोई बात नहीं, सब लोग खुश हो लो, तुम सबको देख लूंगा मैं। प्रभु। हाँ मूषक। आज सुबह से इतने लोगों के होते हुए मैं ही बुद्धू बनाने को मिला था। मैं जा रहा हूँ, जब आपको सवारी करने का मन करे तो बुला लेना, क्योंकि मैं जानता हूँ आपको मेरी सवारी का आनंद किसी भी झूले की सवारी से ज्यादा आएगा। ओहो बुरा मान गया। किसी को मेरी परवाह नहीं, जब देखो मजाक उड़ाते हैं। अरे मूषक रुको। तुम तो नाराज हो गए। कभी कभी हंसी मजाक करना चाहिए, इससे दिन अच्छा बीतता है। तुम्हारी सवारी और माँ के हाथों के बने मोदक से ज्यादा मुझे कुछ प्यारा नहीं है। मैं नहीं रुकता, मैं जा रहा हूँ। अब इसे क्या हो गया? मूषक क्या हुआ? वो वाह। अरे मूषक इतने डरे हुए क्यों हो? प्रभु वाह।
अरे मुशक क्या हुआ? अभी तो बड़ा मुंह फुला कर गया था, बड़ी जल्दी वापस आ गया, वो भी चिल्लाते हुए। प्रभु आज कल लगता है दिन ही खराब है। पहले आप सपने न जाया, आराम करने उधर गया तो एक बिल्ली ने भगाया। प्रभु उधर एक बहुत बड़ी बिल्ली है। बिल्ली से डर गया? चलो मैं देखता हूँ किस बिल्ली ने मेरे प्यारे मुशक को डराने की हिम्मत की है। अभी उसे मजा चखाता हूँ। नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगा, आप ही जाइए। मुशक बिल्ली से डर गया? मुशक बिल्ली बिल्ली बिल्ली। क्या कर रहे हो मुशक राज? बालक गणेश आप अपने इस मुशक और उसको डराने वाली बिल्ली को संभालिए। भोलेनाथ शिव शंकर का समाधि से उठने का वक्त हो गया है, मुझे उनको कैलाश की सवारी कराने ले जाना है। मैं जा रहा हूँ। ठीक है नंदी तुम जाओ। देखते हैं कौन सी बिल्ली है जिसने मेरे मुशक को डराया है। मुशक कहाँ है वो बिल्ली? सब लोग उस बिल्ली को ढूंढो। कहाँ गई वो बिल्ली? कहाँ है? कहाँ गई? मुझे नहीं बिल्ली को ढूंढना है। कहाँ गई? वो रही, पकड़ो से। आ जाओ सब लोग। तो तुम हो वो बिल्ली जो मेरे प्यारे मुशक को डरा रही थी। रुक पकड़ी गई। अभी तुझे ठीक करता हूँ। वैसे भी आज मेरा मन खेलने को कर रहा है, तो क्यों ना तुम्हारे साथ ही खेला जाए। ओहो मुझे देखकर भोली बन रही हो, अब तो तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। तुमने मेरे प्यारे मुशक को डराया, अब मैं तुम्हें मजा चखा कर ही रहूंगा। मुशक कर रही हो? हमारे गणेश जी को इतना भगाया,
अब मजा चखो। चुप मूषक, अभी तो मुझे इसके साथ और खेलना है। म्याओ म्याओ क्या कर रही है? अब तक तो गए काम से। अच्छा क्या बोली? अच्छा अच्छा। अरे मूषक, ये बिल्ली कह रही है कि उसको नहाना है। नहलाओ नहलाओ। क्यों ना इसकी इतनी छोटी सी इच्छा पूरी कर दे। पूरी करो पूरी करो। उसे सबक सिखाओ। याद रहे, अब से किसी चूहे को डराने की कोशिश बिल्कुल मत करना। आजा, मैं करता हूँ ना तुम्हारी मदद। आजा। अब जो तुमने सबक सीख लिया है, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। क्या हुआ, थक गई हो क्या? बस इतना ही खेलोगी? अगर दोबारा तुमने ऐसे किया तो तुम्हें ऐसे ही सबक सिखाना पड़ेगा। अगली बार तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। अब जाओ यहाँ से और किसी चूहे को मत डराना। चली गई। सबक सिखाते सिखाते तो मुझे भूख लग गई है। चलो मूषक, चलकर माँ के हाथों से बने मोदक खाते हैं। मोदक मोदक।